हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो मेरे नारद मुनि भाई छोटू, तुम और राधिका की मम्मी दोनों मिलके जो ध्रुव का क्लास ले रहे हो कि गुनगुन को यहाँ पे क्यों छोड़ा तुमने, उसको तुम घर ले जा सकते थे और तुमसे शादी हुई है तो तुम ही उसके बच्चे के पापा हो। तो मैं राधिका की मम्मी से एक चीज़ बोलना चाहूँगी। आंटी जी, आपके डे वन से क्या आप नहीं देख रही थी कि ध्रुव को वो छूने ही नहीं दी? वो तो यहीं पे पड़ी हुई थी कि आपकी बेटी ने आपको कुछ नहीं कहा। अब दूसरी बातें दीदी, आप थी कहाँ? आप रो रही थी कि सो रही थी? अभी आपको राधिका की चिंता ही है कि राधिका का घर बचाना है। इतने दिन आपको चिंता नहीं थी, इतने दिन तो आपके आपके हस्बैंड ही चिंता कर रहे थे, पर आपको तो कोई सीन में मैंने देखा ही नहीं। और अभी आप फट से आ धमकी छोटू के बुलाने में और यहाँ पे आप आके इतने सारे क्वेश्चंस आप ध्रुव से कर रही हैं। और वो बेचारा ध्रुव, वो कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर आपको देगा बोलिए तो? क्योंकि उसका तो घर खुद उजरा है। आप राधिका की शादी समर से करवाई कि आपको तो सब कुछ पता था कि गुनगुन समर के बीच में क्या हुआ, जो भी हुआ, और बाद में आप राधिका के कहने में आप उसकी शादी वहाँ समर के साथ करवा दी। मगर यहाँ ध्रुव तो बस इतना ही जानता था कि समर और गुनगुन दोनों एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ थे जो अब नहीं रहे, और दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और गुनगुन का प्यार थोड़ा ज़्यादा ही है। पर उसको ये नहीं मालूम था कि इतना ज़्यादा प्यार उभर के आएगा कि वो अपने मायके छोड़, अपने ससुराल को छोड़ छोड़ के समर के घर में आके बैठेगी। तो ये चीज़ तो देखा जाए तो ध्रुव को तो कुछ भी नहीं मालूम था। ध्रुव बस इतना ही जानता था कि दोनों एक्स हस्बैंड वाइफ हैं। पर उसने शादी की, उसने उस लड़की का फिर से घर बसवाया कि चलो मैं शादी करता हूँ, मुझे गुनगुन पसंद, अपने घर वालों को ही मनाया। पर उसको मिला क्या? घंटा घंटा मिला उसको। और यहाँ पे आप लोग उसकी क्लासेस ले रहे हो कि वो यहाँ पे वो उसका पापा होना चाहिए, वो तुमसे शादी हुई तो बच्चा तुम्हारा ही ना होगा। आप किसका घर बचा रहे हो? राधिका की मम्मी, आप समर का घर बचा रहे हो कि अपनी बेटी का घर बचा रहे हो? किसका पक्ष ले रहे हो? राधिका के घर को बचाने के चक्कर में आप बेचारे ध्रुव को बलि का बकरा मत बनाओ। उसके घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही होगी, वही जानता है। पर वो तो आपको तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप यहाँ पे राधिका के घर को बचाने के चक्कर में और यहाँ समर को बचाने के चक्कर में आप इतना कुछ करते बोलते जा रहे हो। तो मैं तो यही बोलूँगी कि अभी ये सब बोलना बेकार है। जो होना था हो गया। अभी जो उसका फादर है उसी को स्टैंड लेना चाहिए और उसी को बच्चे को अपनाना चाहिए। क्योंकि गुनगुन भी यहाँ पे एक माँ जब बनती है एक औरत, तो वो भी बहुत कुछ सहती है। और ये तो गुनगुन का खुद का लिखा हुआ है। ये तो गुनगुन के लिए कोई सामने से पैदा नहीं कर दिया कि हाँ लो तुम्हारे ऊपर ये जोर जुर्म होगा तो ये होगा तो वो होगा। ये तो गुनगुन खुद ही अपने ऊपर आ बैल मुझे मार वाली बात की है। तो इसलिए इसमें तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। तो एनीवेज फ्रेंड्स, जिसको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।